हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। आज हम फाल्गुन के महीने में आने वाली मनोरथ पूर्णिमा की व्रत विधि और कथा सुनेंगे। सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मनोरथ पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। मनोरथ पूर्णिमा का व्रत का फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। इस व्रत में फाल्गुन पूर्णिमा से शुरू करके प्रत्येक माह के पूर्णिमा को विधि पूर्वक भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत पूरे एक वर्ष तक करने का विधान है। पूरे वर्ष के पूर्णिमा को विधि पूर्वक पूजन कर यह व्रत संपन्न किया जाता है। मनोरथ पूर्णिमा अपने नाम की ही तरह यह व्रत व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला माना गया है। मनोरथ पूर्णिमा का व्रत करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को इष्ट वियोग नहीं होता। इस दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु के जनार्दन रूप की पूजा की जाती है। भगवान जनार्दन और लक्ष्मी जी की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अभी हम ये व्रत के लिए कौन सा पूजन सामग्री चाहिए इसके बारे में देखते हैं। भगवान जनार्दन और लक्ष्मी जी की मूर्ति का या चित्र, पान सुपारी, अक्षत चंदन, धूप दीप, घी, गंगा जल, लोटा अर्घ के लिए, नैवेद्य, ऋतुफल, पीला वस्त्र, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, यही है पूजा के लिए जो काम में आने वाली पूजन सामग्री। अभी हम मनोरथ पूर्णिमा व्रत का विधि बताएंगे। नारद पुराण के अनुसार मनोरथ पूर्णिमा व्रत रखने वाले व्रती को फाल्गुन माह की पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम और स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो नदी या तालाब में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। पूजा गृह को साफ कर ले। लकड़ी के पटरे या चौकी पर पीला कपड़ा रखे, उस पर भगवान जनार्दन के रूप लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र को रखें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। हाथ में जल, अक्षत, साबुत, पान का पत्ता, डंडी सहित सुपारी तथा कुछ सिक्के लेकर पूजन करें। सभी सामग्री भगवान के पास छोड़ दे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, तत्पश्चात भगवान जनार्दन तथा लक्ष्मी जी की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। पूजन के बाद मनोरथ पूर्णिमा महात्म्य सुने अथवा सुनाए। उसके बाद भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की आरती करें, देवी देवताओं को आरती दिखाएं। उसके बाद उपस्थित जनों को आरती दें एवं स्वयं भी आरती लें। पूरे दिन भगवान के नामों का स्मरण और कीर्तन करें। शाम को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के स्वरूप को मानते हुए अर्घ प्रदान करें। उसके बाद बिना तेल और नमक का भोजन करें। ब्राह्मणों को दान दे। संभव हो तो प्रत्येक माह वस्त्र, छाता, जूते एवं दक्षिणा ब्राह्मण को दे। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को सभी प्रकार की लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करना चाहिए। इसके बाद मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक हवन करके हौलिका पर लकड़ी डालकर उसमें आग लगा देना चाहिए। जब आग की लपटें बढ़ने लगे तो उसकी परिक्रमा करते हुए खुशी और उत्साह मनाना चाहिए। होलिका दहन करते समय भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की मंगल कामना और राक्षसी होलिका को भस्म करने के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के दिन जो व्रती पूरे श्रद्धा भाव और विधि विधान से व्रत रखकर होलिका दहन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अभी हम मनोरथ पूर्णिमा व्रत का कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, फाल्गुन की पूर्णिमा से संवत्सर पर्यंत किया जाने वाले एक व्रत है।
जो मनोरथ पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। इस व्रत के करने से व्रती के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्रती को चाहिए कि वह फाल्गुन पूर्णिमा को स्नान आदि कर लक्ष्मी सहित भगवान जनार्दन का पूजन करे और चलते फिरते उठते बैठते हर समय जनार्दन का स्मरण करता रहे और पाखंड पतित नास्तिक चंडाल आदि से संभाषण न करे, जितेंद्रिय रहे। यात्री के समय चंद्रमा में नारायण और लक्ष्मी जी की भावना कर अर्घ प्रदान करें। बाद में तेल एवं लवण रहित भोजन करें। इस प्रकार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इन तीन महीनों में भी पूजन एवं अर्घ प्रदान कर व्रती प्रथम पारणा करें। आषाढ़ श्रावण भद्रपद और आश्विन इन चार महीनों की पूर्णिमा को श्री सहित भगवान श्रीधर का पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और पूर्ववत दूसरी पारणा करें। कार्तिक मार्गशीर्ष पोष तथा माघ इन चार महीनों में भूति सहित भगवान केशव का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और तीसरी पारणा संपन्न करें। प्रत्येक पारणा के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। प्रथम पारणा के चार महीने में पंचांग, दूसरी पारणा के चार महीनों में कुशोदक और तीसरी पारणा में सूर्य किरणों से तप्त जल का प्राशन करें। रात्रि के समय गीत वाद्य द्वारा भगवान का कीर्तन करें। प्रतिमास जल कुंभ जूता छतरी सुवर्ण वस्त्र भोजन और दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करें। देवताओं के स्वामी भगवान की मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमश केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर या हर्षिकेश राम पश्चानाम अथवा दामोदर और देवदेवेश इन नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति दुर्गति से उद्धार पा जाता है। इस व्रत को करने से यदि प्रतिमास दान देने में सामर्थ्य न हो तो वर्ष के अंत में यथाशक्ति सुवर्ण का चंद्रन बिंब बनाकर फल वस्त्र आदि से पूजन कर ब्राह्मणों को निवेदित कर दें। इस प्रकार व्रत करने वाले पुरुष को अनेक जन्म पर्यंत इष्ट का वियोग नहीं होते, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष नारायण का स्मरण करता हुआ दिव्य लोक प्राप्त करता है। तो यही है मनोरथ पूर्णिमा का व्रत कथा और विधि और विधान। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नया कथा या कुछ जानकारी के साथ। अब तक के लिए सभी को राधे राधे।